और अब आपके लिए एक बड़ी खबर, रामविलास पासवान के निधन पर शोक जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कई तमाम बड़े दिग्गज बड़ी हस्तियों ने ट्वीट कर अपना शोक प्रकट किया। और फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि आज बिहार ले जाया जा सकता है रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर। आज बिहार उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। बिहार के वो बेटे हैं, लाल हैं वहाँ के, और एक बड़ी लड़ाई उन्होंने वहाँ से लड़ी। 32 साल का लंबा राजनीतिक करियर, दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई उन्होंने लड़ी। और इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि अब दिल्ली से, यानी उनके आवास से, उनके पार्थिव शरीर को बिहार लेकर जाया जाएगा, जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक लड़ाई शुरू की, जहां से अपनी पार्टी की स्थापना उन्होंने की और जहां से लोगों का अपार समर्थन उन्हें मिला। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं, रवि त्रिपाठी दिल्ली से जुड़ गए हैं, रजनीश हमें पटना से जानकारी देंगे। रवि, पहले आप ये बताइए, आज ये जानकारी है कि रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर आज बिहार ले जाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से उनका अभी एम्स में उनकी बॉडी को रखा गया है, क्योंकि वहाँ से लेप लगा के बॉडी को ले जाना है यहाँ से पटना, इसलिए वहाँ से उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा उनके घर पे, जहाँ हम खड़े हैं 12 जनपद, उनके घर पे लाया जाएगा। और यहाँ से लगभग 10 बजे से लेकर 2 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहाँ माना कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी लगभग 10:30 से 11 के आसपास प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, तमाम मंत्री आने वाले हैं, तमाम जो जानने वाले चाहने वाले उनको उनके शुभचिंतक हैं, क्योंकि पासवान की जो छवि रही है एक बड़े नेता की रही, और सभी दलों में जैसे कहा बताया जाता है कि कोई भी ऐसा गठबंधन नहीं रहा जिसके साथ वो नहीं रहे अलायंस में, और जिसके साथ मंत्री भी नहीं रहे। आप देख लीजिए, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री रहे और एक दर्जन से ज़्यादा मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं वो पासवान, चाहे वो रसायन की बात कर लें, चाहे अभी कंज्यूमर अफेयर्स की बात कर लें, चाहे वो रेल मंत्रालय की बात कर लें, चाहे तमाम सारे मंत्रालयों के विभाग उन्होंने देखा। और जनता से जुड़े मुद्दों पर अगर बात खाली कोरोना के काल की करें तो रामविलास पासवान की छवि ऐसी है कि बार बार कहते थे कि एक भी गरीब भूखे नहीं मरेगा इस दौर में, जो भी प्रवासी मजदूर कहीं जा रहे थे, चाहे जो भी गरीब है, क्योंकि ऐसा दौर था, लग रहा था लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो 81 करोड़ लोगों को आज की डेट में मोदी सरकार की तरफ से, चूंकि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान थे और बार बार ये अपडेट करते थे के समय में रवि कि हर आदमी को, हर स्टेट को सराहना की गई, क्योंकि हर एक निर्देश का वो पालन करते हुए नजर आए जो प्रधानमंत्री की तरफ से भी दिया गया। बतौर केंद्रीय मंत्री भी उन्होंने वो सारी मुश्किलों को हल करने में मदद की गरीबों की, जो लॉकडाउन के समय में मजदूरों को आ रही थी। लेकिन रजनीश, वहां पर क्या होगा आज अंतिम, क्योंकि अभी तो अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में भी रखा जाएगा, सब पहुंचेंगे, फिर वो पटना पहुंचेगा, तो अंतिम संस्कार कब होगा, क्या जानकारी है? देखिए, हाजीपुर में लोग बेहद माहौल है कि 1977 में जब पहली बार यहाँ पे वो रिकॉर्ड मतों से जीते थे, किन्हीं बूथ में नाम दर्ज हुआ था, और उसके बाद 8 टर्म और हाजीपुर का नेतृत्व किया, और जिस तरीके से यहाँ पे विकास क्या है हाजीपुर में, खासतौर पे अगर जोनल ऑफिस की बात कर ले, नाइपर की बात कर ले, सीपेट की बात कर ले, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने दिए छोटे से शहर को, जिससे कि विकास को तेजी मिली, तमाम सारे लोग हाजीपुर में मरमाहत है। और खगड़िया के शहर बनने जैसे छोटे जगह से निकलकर और रामविलास पासवान जिस मुकाम को हासिल किए, वो अपने आप में एक नजीर है कि किस तरीके से कोई विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़कर मेहनत, और इसीलिए इसे एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है, ना केवल उनकी पार्टी के लिए बल्कि अगर हम सरकार की बात करें, प्रधानमंत्री खुद इस बात को लेकर कह चुके हैं कि वो कितने करीबी उनके रहे और उनका जाना ऐसे समय में एक बहुत ही बड़ी क्षति है, एक बहुत ही बड़ी कमी है जो हमेशा के लिए वो छोड़ कर गए हैं। हम सारी अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन अंतिम दर्शन के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है उनके आवास पर आज रखा जाएगा, और जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.